क्या ईद वाला कमिटमेंट पूरा करने के लिए सुल्तान सलमान देंगे सबसे बड़ी कुर्बानी? क्या सलमान की राधे बढ़ाने वाली है बिग बॉस के मेकर्स की परेशानी? सुनो, मिस जेन चेक लाई है वो खबर जिसे सुनकर मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के डाई हार्ड फैंस को भी आ जाएंगे चक्कर। As you know, सुल्तान सलमान इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं। दबंग 3 के रिलीज होने में सिर्फ 25 दिन ही बाकी रह गए हैं। फिल्म का प्रमोशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है, यानी के अगला महीना टाइगर के लिए काफी हैक्टिक रहने वाला है। क्रिसमस रिलीज का टारगेट पूरा करने के बाद सलमान मिशन ईद में जुटने वाले हैं। अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब को टाइम फिक्स करने के लिए टाइगर राधे भैया बनकर जो आ रहे हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई बनने के लिए सलमान को तोड़ना होगा अपने मोस्ट कंट्रोवर्शियल और भाई के फैंस के बीच हाईली पॉपुलर शो बिग बॉस से रابطہ। वक्त से पहले ही टूट सकता है बिग बॉस सीजन 13 से सलमान का रिश्ता। सुनकर लगाना झटका। अकॉर्डिंग टू मिस जेन चेक, जहां बिग बॉस हाउस में इस हफ्ते घर वाले एक दूसरे को नॉमिनेशन वाले खंजर घोप रहे हैं, वहीं शो के होस्ट सलमान 13वें सीजन को बीच में ही छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में बिग बॉस के मेकर्स ने शो को 5 हफ्ते एक्सटेंड करने का फैसला लिया था। इसी मकसद से घर में कुछ नए कंटेस्टेंट्स को भी लाया गया था, लेकिन किंतु परंतु बिग बॉस के मेकर्स के इस फैसले से सुपर बिजी सलमान का पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया है। बिग बॉस की शूटिंग के लिए 5 हफ्तों का एक्स्ट्रा वक्त निकालना सुल्तान के लिए मुनासिब नहीं हो रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द सलमान को राधे की शूटिंग शुरू करनी है। फिल्म के मेजर पार्ट की शूटिंग फॉरेन लोकेशंस पर ही होनी है, और यही वजह है कि सलमान अपने टेन्योर को एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है। हालांकि हर बार सलमान शो में अगला सीजन होस्ट ना करने की बात कहते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी फैंस की खातिर घर वालों की वाट लगाने के लिए सलमान हर बार बिग बॉस से जुड़ जाते हैं। लेकिन इस बार दांव पर सलमान की कमिटमेंट लगी है, और ये तो हम सब जानते हैं कि एक बार जब सलमान ने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो वो खुद की भी नहीं सुनते।